हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल आसू सर्विसेज साथ जुड़ो आगे बढ़ो में स्वागत है। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पे वीडियो एडिटिंग, वीडियो मैनेज कैसे करेंगे उसके बारे में बताने वाला था। काफ़ी कम पूल में रिप्लाई आया है और मैं उसका वेट करूँगा कि पूल में ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई आए, फिर मैं एक वीडियो अलग से उसके लिए बनाऊँगा कि हम कैसे क्या यूट्यूब में कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला फोकस रहता है वीडियो शूट करना और उसे एडिटिंग करना। जैसा आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा था कि मैंने काफ़ी सीरियस होके बात की, शांत होके बात की, तो वो आपके लिए एक डेमो था कि वो वीडियो कैसे बनाते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि एकदम चुप रह के वीडियो नहीं बनाना है, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए वीडियो बनाने में, बोलने में, ताकि लोग आपको सुने और सुनते सुनते स्किल करें अच्छे, मतलब आप अट्रैक्ट कर सको। आप मतलब जब आपको कोई देखे वीडियो पे तो उन्हें लगना चाहिए कि आप कुछ अच्छी चीज़ें एकदम एक्साइटिंग में सिखा रहे हो, कि आपको आपको ऐसा लगे कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं और कम से कम बजट में हम गैजेट्स से वीडियो कैसे बनाएं। और मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि अब से हर संडे यूट्यूब की वीडियो आएगी, ट्रेनिंग कैसे लेनी है, एडिटिंग कैसे होनी है और जितने भी पार्ट हैं सब संडे को ही आएंगे, हर संडे को आएगा। लेकिन आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले कि भैया मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप कुछ सीखना चाहते हैं और मेरी गलती कहाँ पे है तो वो भी आप मुझे बताएं। तो हर संडे को अब मैं यूट्यूब क्लासेस की वीडियो लेके आऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो बनाने के लिए हमको गैजेट्स की ज़रूरत होती है, और कम से कम बजट में हम कौन कौन से गैजेट्स यूज़ कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए एक स्मार्टफोन। आप देख सकते हैं एक स्मार्टफोन चाहिए जिससे हम वीडियो शूट कर सकें, और इसके लिए ऐप्स जो रहेंगे उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले चाहिए एक स्मार्टफोन वीडियो शूट करने के लिए। उसके बाद ट्राइपॉड, ये आप देख सकते हैं ट्राइपॉड है, तो वीडियो शूटिंग करने के लिए ट्राइपॉड बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको बैलेंस रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। ट्राइपॉड भी काफ़ी कम प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएंगे और आपको अच्छे लेने, क्योंकि इसमें दो चीज़ें इस ट्राइपॉड में आप देख सकते हैं कि ये ब्लूटूथ डिवाइस भी है जिससे हम वीडियो बनाते समय इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कहीं टेबल में बैठ के बनाना है या कोई मीटिंग अटेंड करनी हो जूम पे, या मुझे कहीं बैठे बैठे वीडियो बनाना है, तो आप देख सकते हैं कि आप इसे अपने टेबल पे रख के, आप ऐसे टेबल पे रख सकते हैं और अपने मोबाइल को गैजेट से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह आप मोबाइल को कनेक्ट करके, डिवाइस को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप यहां से रख सकते हैं, और जैसे ही आपको कोई वीडियो स्टार्ट करनी हो तो आप यहां से स्विच ऑन कर देंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशू और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आशू सर्विसेज। तो इस तरह से आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके लिए ट्राइपॉड बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इससे इस ट्राइपॉड से आप साइज़ भी अप डाउन कर सकते हैं, आप जितना पास लाना चाहें ला सकते हैं और काफ़ी अच्छी वीडियो से बना सकते हैं। इसमें आप वीडियो दो तरीके से बना सकते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। उसके बाद हमें चाहिए वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। कैमरे में अब तो हो गया, अब बात आती है वॉइस की, कि हमको वॉइस भी तो रिकॉर्डिंग करनी है कैमरे के साथ। तो उसके लिए काफ़ी सस्ती सस्ती चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग के लिए आप इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ कीजिए, और जैसे जैसे आपकी स्किल, आपका वीडियो, आपकी वॉइस और अच्छी होने लगेंगी तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है ये, आप दिखाइए, ये देखिए, यह है ईयरफोन, 50 रुपये का मार्केट में मिलता है। मैं आज इससे भी रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा कि इसमें वॉइस कैसी आती है।
दूसरा हमारे पास है एयरपॉड, आप एयरपॉड का भी यूज़ कर सकते हैं और एयरपॉड से भी काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आती है। दूसरा नॉर्मल वायरलेस माइक, जिसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल से। और तीसरा वोयो का, जो काफ़ी ज़्यादा चलता है, यूट्यूबर्स जो स्टार्टिंग करते हैं वोयो माइक से ही करते हैं, ये 350 रुपये का कॉस्ट रहता है, तो ये भी आगे चल के आप ले सकते हैं। उसके बाद हेडफोन ब्लूटूथ डिवाइस आप देख सकते हैं, ये ब्लूटूथ डिवाइस है, आप इसे भी कनेक्ट करके अपने हेड पे ऐसे लगा के आप दूर से भी इससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी मैं इसी से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये होगी आपकी गैजेट्स की बात की, कि आपको यूट्यूबर बनने के लिए इन गैजेट्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना इन गैजेट्स के आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, और रिकॉर्डिंग करेंगे तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं आएगी, जो एक थोड़ी बहुत अच्छी आती है वो भी नहीं आएगी। अगर अच्छी नहीं आएगी तो लोग आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं रहेगी तो लोग सुनेंगे नहीं। तो ये सबसे पहला स्टेप है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए हमें कौन कौन सी गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कैसे करें, कभी कभी आदत होती है रिकॉर्डिंग की कि हम बात करने में हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं और हिम्मत नहीं होती। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में बच्चे हो, बूढ़े हो या किसी भी एज की हो, कुछ लोगों ने तो 70 साल की उम्र में यूट्यूब चैनल बनाना स्टार्ट किया, पहली बार कैमरे में आए। तो अगर आपको लगता है कि हम बोल नहीं पाते उस तरीके से, तो आप कुछ यूट्यूब वीडियो देखिए, इंट्रो का देखिए कि हम कैसे बोलते हैं, ब्लॉग्स देखिए कि वो कैसे बोलते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं। तो 2-3 वीडियो आप बनाइए अपने से और देखिए कि आप कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ आपको बोलने में कमी आ रही है। तो ये छोटी छोटी जो कमियाँ हैं ना, आप रिकॉर्डिंग करके ही आप देख पाएंगे। अब अपनी वीडियो को बार बार देखिए, दिन में 3 बार देखिए कि आपने कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ की हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको वीडियो बनाने में कौन कौन सी गलतियाँ आप करते हैं वीडियो बनाते समय। तो उन चीज़ों को आप, जो गलती आप वीडियो बनाते समय करते हैं, मैं उन गलतियों को यहाँ बताने वाला हूँ, जिससे आपको सुविधा होगी वीडियो बनाते समय और आप उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती होती है कि जब हम वीडियो बनाते हैं, हम देखते हैं कि कई लोग वीडियो बनाते हैं तो कटिंग कटिंग करके वीडियो आती है। तो ऐसे कट कट करके वीडियो नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ रिकॉर्डिंग करें, कैमरा ऑन करें। जैसे ये रिकॉर्डिंग है, हमने कैमरा ऑन कर दिया, हमने बैठा, स्क्रीन हमारी आ रही है। स्क्रीन 2 तरीके की होती है, अगर आप ओरिजेंटल मतलब सीधा, ये शॉर्ट्स वीडियो के रहते हैं, आप हमेशा ध्यान दीजिए कि ओरिजेंटल जो आता है वो शॉर्ट्स वीडियो के रहता है, और वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स मोबाइल हम इस तरह बनाएंगे यूट्यूब के लिए तो ये वर्टिकल होगा, और यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो बनाना है तो ओरिजेंटल होगा। इसकी साइज़ क्या होती है, इसकी साइज़ एकदम सिंपल है, आप कहीं भी सर्च करेंगे या कुछ भी बना रहे हैं, थंबनेल बना रहे हैं या वीडियो भी बना रहे हैं, तो इसकी साइज़ होती है, अगर हम ओरिजेंटल यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो ये होता है 16.9 मतलब 16.9। अगर आप देखो इसी का उल्टा कर देंगे तो ये बन जाता है 9.6। तो ये वर्टिकल और ओरिजेंटल, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि वीडियो बनाते समय कि आपको जो साइज़ रहती है कि वीडियो इस तरह से, कि आप जब भी आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं शॉर्ट्स में या यूट्यूब में या इंस्टा में, तो आप ये ध्यान रखिए कि वर्टिकल हॉरिजेंटल साइज आपको शॉर्ट्स वीडियो के लिए ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड, कि आप जब वीडियो बना रहे हैं तो आपको रुकना नहीं है, अगर आपने कैमरा ऑन कर दिया है तो आपको रुकना नहीं है। कैमरा ऑन करने के बाद आप जो चीज़ों को एक बार टेस्ट कर ले, सबसे पहले डिवाइस कनेक्ट है या नहीं, रिकॉर्डिंग करें 2-4 सेकेंड के और उसमें कुछ बोलिए और फिर उसको प्ले करके देखिए कि आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम रिकॉर्डिंग तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वॉइस छूट जाती है, तो हम जब एक बार वीडियो कुछ बना लेते हैं तो उसको दोबारा उसी सर्वर में या वो मीनिंग जो रहती है वो हम पूरी नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले टेस्टिंग करना है कि उसमें वॉइस और रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। तीसरा, जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं कैमरे पे,
तो आपको रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यूस बोलना है। जैसे मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, हेलो दोस्तों, आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल आशू सर्विसेज, और आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे ही हम यहाँ रुक गए, हमको याद नहीं आ रहा कुछ, हमने कुछ भी किया या खांसी हो रही है या हम कुछ याद कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो आपको कंटिन्यू ही रहना है। अब जिस पोजीशन पे है, जैसे मैंने कहा कि भी आंसू सर्विसेज और मैं सोचने लग गया ऐसे, या फिर ऐसा बैठा हूँ कर रहा हूँ या फिर ऐसे, तो आपको इसी पोजीशन में रुकना है, इसी पोजीशन में आपको रुकना है और फिर से स्टार्ट करना हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूट्यूब चैनल के बारे में कि हम यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो एडिटिंग कैसे करें। और तो यहाँ पे आप स्टॉप हो जाएंगे, अगर आप बोल नहीं पा रहे तो सेम पोजीशन में, उसके बाद फिर आप स्टार्ट कीजिए। और मैं बताने वाला हूँ आपको कि यूट्यूब चैनल के लिए कौन कौन से गैजेट लगते हैं। तो इस तरह से आपको रिकॉर्डिंग करनी है, और इस तरह से रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको वो बीच बीच में वीडियो को स्टॉप करना नहीं पड़ेगा, आप इसे पूरा कंटिन्यू कर दीजिए, और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद हम उसको एडिटिंग करेंगे। तो ऐसे हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि YouTube चैनल बनाने के लिए गैजेट्स नहीं लगते, YouTube में वीडियो अपलोड करने के लिए और YouTube चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है स्टार्टिंग में, और आप शुरुआत कीजिए अच्छे से, और कोई भी उम्र के हों आप सीख सकते हैं, और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। इससे आप अपने प्रोडक्ट, ऑनलाइन प्रोडक्ट के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में, अपने ब्लॉग्स के बारे में भी काफ़ी अच्छे से आप बता पाएंगे। धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, धीरे धीरे क्लासेस होंगी, धीरे धीरे आप सीखेंगे, धीरे धीरे चीज़ों में गलतियाँ कहाँ होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको एकदम बेसिक नॉर्मल तरीके से मैं सिखाऊंगा, जो आपको समझ में आए। अगर आप भी मुझसे कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ आगे चल के, तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कि मैं ताकि आपको और अच्छे से मन लगा के मैं आपको YouTube चैनल के बारे में बता सकूँ। तो मुझे काफ़ी इंतज़ार रहेगा कि इस बार जो वीडियो है लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप करें।